ट्विटर में एलन मस्क की वापसी के बाद से ही ट्विटर और एलन मस्क दोनों ही सुर्खियों में बने हुए हैं। वापसी करते ही उन्होंने कंपनी में छटनी शुरू कर दी। जी हां, ट्विटर ने कथित तौर पर हजारों कॉन्ट्रैक्टेड कर्मचारियों को भी कंपनी से निकाल दिया है। वहीं आपको बता दें कि 5500 कॉन्ट्रैक्टेड कर्मचारियों में से 4400 को नौकरी से निकाल दिया गया है। कई आउटलेट्स का दावा है कि कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि निकाले गए कर्मचारियों को सिस्टम में एक्सेस नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें इस बात की जानकारी मिली। भारत में भी कई ऐसे कर्मचारियों को बिना नोटिस के ही निकाल दिया गया। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भेजे गए एक मेल में ट्विटर ने बताया है कि नौकरी में कटौती पुनः प्राथमिकता और बचत अभ्यास का हिस्सा है। वहीं सूत्रों ने बताया कि ट्विटर की आंतरिक संचार टीम ने कथित तौर पर काम करना भी बंद कर दिया है। ट्विटर में वापसी के बाद से ही एलन मस्क ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया था। बता दें कि जब से एलन मस्क ने ट्विटर पर पूरा कंट्रोल हासिल किया है, तभी से वे कार्यबल को कम करने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। सोशल नेटवर्क कंपनी ने हाल ही में आधे कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ही निकाल दिया था। ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी ने पिछले सप्ताह ही इसके लिए माफ़ी तक मांगी और कहा कि इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने ट्विटर को टेकओवर करने के बाद से सबसे पहले सीईओ पराग अग्रवाल को बाहर का रास्ता दिखाया। पराग अग्रवाल के बाद उन्होंने मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सहगल के साथ साथ कानूनी नीति, ट्रस्ट और सुरक्षा के प्रमुख विजय गड्डे को भी नौकरी से निकाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मस्क ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि आखिर ट्विटर के इस कदम से क्या प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो एलन मस्क एक संभावित दिवालिये से कंपनी को बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। वे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वर्क फोर्स के कारण कंपनी को रोजाना 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा था और इसके लिए उनके पास छटनी के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता था। बता दें कि उद्योग व्यापी मंदी ने सिलिकॉन वैली को झकझोर कर रख दिया। ट्विटर की तरह फेसबुक के पेरेंट मेटा ने ही हाल ही में व्यापक छटनी की घोषणा की, जिसमें से 11,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है।